जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप कुछ भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ बारिश, तो ये देखिए बारिश का जंगल चलते हैं, तो ये देखिए जंगल आ गया है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। होप सभी बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बताई हैं आपको। और आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, ये वीडियो होने वाली है कि मेरे पास ब्लॉगिंग और ये वीडियोस बनाने के लिए क्या क्या मतलब गैजेट्स हैं, छोटे मोटे ही हैं, दो चार हैं, वो दिखाऊंगा आपको। और मैं एडिटिंग कैसे करता हूं, किससे करता हूं, मेरे पास कौन सा एप्लीकेशन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में आपको ये दिखाने वाला मेरे पास गैजेट क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या यूज़ करता हूं और वीडियोज़ वगैरह कैसे अपलोड करता हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो हर किसी के पास, ब्लॉगर के पास जो भी वीडियो बनाता है, ये ट्राइपॉड, छोटा सा मिनी ट्राइपॉड हर किसी के पास रहता है। तो मैंने भी ये परचेज किया था, आई थिंक अमेजोन से किया था, और बहुत ही रीजनेबल है, 250-300 रुपए का लिया था, क्योंकि मेरे को ज़्यादा हैवी पकड़ने का मतलब पकड़ नहीं पाता, तो ये लाइट सही है ना, और ये ऐसे रोटेट भी रहता है 360 डिग्री में, तो मुझे काफ़ी रीजनेबल लगा था, तो मैंने ये ले लिया था। काफ़ी हैंडी है, आप इसको ऐसे कहीं पर भी मतलब स्टैंड भी कर सकते हैं, अगर आपको स्टैंडिंग वीडियो बनानी है तो ये ऐसे खड़ा भी हो जाता है। तो ये मुझे काफ़ी हैंडी लगा था, तो मैंने ये अमेजोन से लिया था। तो सबसे पहले चीज़ मेरे पास यही है, 250 या 300 के रेंज में थी। गाइस, दूसरा जो मैंने गैजेट लिया था, वो लिया था मैंने ये माइक, कॉलर माइक जो आप छोटे से देख रहे हैं, इस छोटे से क्यूट से बॉक्स में आया था ये, है ना। तो ये भी मुझे कुछ अराउंड 200 या 250 का पड़ा था। ये भी मैं, ये ऐसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, सबसे मतलब रीजनेबल, सबसे सस्ता यही था, तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था अभी इन सब चीज़ों में। तो ये छोटा सा कॉलर माइक ठीक ठाक आ जाती है, ऐसे नॉइज कैंसिलेशन इसमें थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक लगा, तो मैंने ये ले लिया था। और इसके साथ ही छोटा सा बॉक्स आया था, इसमें मैं इसको रखता हूँ, है ना। तो ये मैंने माइक लिया था, और ये भी काफ़ी रीजनेबल है। तो सेकंड चीज़ मेरे पास व्लॉगिंग या वीडियो बनाने के लिए ये माइक है प्यारा सा। गाइस, तीसरी जो मेरे पास चीज़ है वो है वो ये ट्राईपॉड, जिसमें अभी मैंने अपना मोबाइल लगा रखा है, अभी आपको दिखेगा नहीं, मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। ये ट्राईपॉड मैंने लिया था, एक्चुअली मैंने खरीदा नहीं था, परचेज नहीं किया था, ये मैंने किसी से लिया है, उनके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो मैंने ये ले लिया था। अब जैसे मैं अकेला हूँ तो ये उस टाइम पे बहुत काम आता है, कि किसी को फ़ोन भी पकड़ाना पड़ेगा, तो ये स्टैंडिंग में लगा के आप इजीली वीडियो बना सकते हैं, बड़ी स्टिल वीडियो आती है। अगर आपके हाथ में, अगर आप हाथ से पकड़ के बना रहे हैं तो इधर उधर हिलता रहता है फ़ोन, तो ये जो ट्राईपॉड होता है बड़ा वाला, ये करीब 1000 रुपये का या 1200-1500 की रेंज में, वैरायटी टू वैरायटी डिफर करता है, आप अच्छे में जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, मतलब बेसिक जो स्टार्टिंग होती है इसकी 1000 रुपये से होती है। ये मैंने अभी फ़ोन उसी पर लगा रखा है, मैं दिखा दूंगा आपको, है ना। इसको आप मतलब, इसके पास एक हैंडल भी रहता है, इस हैंडल से आप ऐसे हिला सकते हैं, इसको इधर उधर कर सकते हैं, तो काफ़ी सही रहता है अगर आपको खड़े होकर स्टिल वीडियोस बनानी, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। ज़्यादातर मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं, लेकिन कभी कभी बनाता हूँ, एक दो चार वीडियो बनाई होंगी मैंने। तो ये भी काफ़ी मतलब ज़रूरी रहता है, कभी आप घर में अकेले हैं आपके साथ, जैसे मधु अभी है नहीं, वो देहरादून जा रखी है, तो मैं इस टाइप की वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो ये काफ़ी मतलब यूज़फुल है इस टाइम के लिए ना, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये मैंने लिया नहीं था, कि मैंने किसी से बोरो कर रखा है, उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। तो एक थर्ड चीज़ मेरे पास ये आ गई। जो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाला, मेरे पास जो है इक्विपमेंट या फिर गैजेट जो भी आप मान लीजिए, वो है ये पीछे, अब पीछे ये, हाँ ये ग्रीन स्क्रीन, मेरे को बहुत पसंद है ग्रीन स्क्रीन, मुझे बहुत शौक था ग्रीन स्क्रीन का, इससे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ा आता है, मैं तो काफ़ी मतलब इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, ये ग्रीन स्क्रीन लगा के वीडियोज़ बनाना। जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप कुछ भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ बारिश, तो ये देखिए बारिश हो गई पीछे, कितना अच्छा लगता है ना। वैसे ही अगर मैं चाहूँ तो अभी जंगल की सैर कर सकता हूँ, तो चलिए जंगल चलते हैं, तो ये देखिए जंगल आ गया है। तो ऐसी आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं। इस सब चीज़ों के लिए मैंने एक ग्रीन स्क्रीन ली थी, मुझे काफ़ी पसंद है ना। तो ये ग्रीन स्क्रीन जो मैंने ली थी, ये करीब ली थी मैंने 500-600 रुपये की, फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, है ना। अलग अलग मतलब प्राइस रेंजेस में है ये, आपको 500 से स्टार्टिंग हो जाएगी, आपको 1000-2000 पूरा सेटअप भी मिलता है इसका, लेकिन मैंने सिर्फ ये क्लोथ मंगा रखा है, इसको मैंने दीवारों में कील लगा के इधर से टांग रखा है, इधर से टांग रखा है, तो मुझे कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है, डिफिकल्टीज नहीं होती है ईजिली में। लेकिन इसके लिए क्या है ना, प्रॉपर लाइट चाहिए, अगर प्रॉपर लाइट नहीं आएगी तो ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट भी जो है ज़्यादा अच्छा नहीं आता, आपको प्रॉपर लाइटिंग की जरूरत चाहिए होती है, यहाँ से प्रॉपर लाइट। तो मैंने अभी क्या है, ये कि ट्यूबलाइट लगा रखी है और मेरे पास एक बल्ब है, तो ज़्यादा मैंने कर नहीं रखा, तो अभी इतना अच्छा ग्रीन इफेक्ट आता नहीं है। अगर आप घर में प्रॉपर लाइटिंग करेंगे ना, तो बहुत ही मस्त एकदम ग्रीन इफेक्ट आता है, उससे वीएफ इफेक्ट वगैरह आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है देखने में ना। आप कहीं पर भी जा सकते हैं, जंगल में
किसी के घर में, मतलब पहाड़ों में, हिमालय में, तो ये सब चीजें मुझे काफी अच्छी लगती थी, तो मैंने ग्रीन स्क्रीन जरूर ली। तो एट द लास्ट जो चीज होती है, मेन जो इक्विपमेंट या फिर गैजेट होता है, वो होता है फोन। और मेरे पास है अभी रियलमी का फोन, मैंने रिसेंटली लिया है, एक आध महीना ही होगा। पुराना वाला मधु के पास था, वो चली गई, तो मैंने नया मंगाया था वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पे। पुराना मेरे पास रेडमी का था, लेकिन उससे इतनी अच्छी वीडियोस आती नहीं थी, तो मैंने ये रियलमी का फ़ोन मंगाया है, ये वाला रियलमी। ये मुझे कुछ पड़ा है 18,000 रुपये किस्तों में मंगाया है यार, अभी किस्त भी पूरी नहीं की है, तो ये मैंने मंगाया था। इससे जो है बैक वाली जो रियर जो कैमरा होता है ना, उससे तो काफ़ी अच्छी वीडियो आती है, लेकिन इसका फ्रंट जो है इतना खास नहीं है, तो जो पीछे से रियर व्यू आता है ना इसका, वो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो ये आपको इजीली फ्लिपकार्ट वगैरह मिल जाएगा, अमेज़न में, इतना तो आपको पता ही होगा, आप फ़ोन के एक्सपर्ट हो। तो ये मैंने मंगवाया था फ़ोन, जो वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। तो गाइस ये तो मैंने दिखा दी इक्विपमेंट, हार्डवेयर जो भी मेरे पास थे 4-5, वो मैंने आपको दिखा दिए। बहुत बेसिक्स हैं जो स्टार्टिंग में लोग यूज़ करते हैं, वही आई थिंक मेरे पास है, कुछ ज़्यादा ऐसा महंगा मैंने लिया नहीं है, ठीक है। तो ये थी मेरे पास हार्डवेयर। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, कौन सा जो मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ ये सब वीडियोज़ एडिट करने के लिए। तो जो मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसका नाम है काइन मास्टर। प्ले स्टोर पर आपको इजीली आप टाइप करें काइन मास्टर तो मिल जाएगा, है ना। कुछ 66 MB का है, बहुत ही मतलब बीस्ट ऐप है वो एडिटिंग वगैरह के लिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो वीडियो क्रिएटर्स हैं इसी को यूज़ करते होंगे, है ना। तो अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये मतलब यूज़ करने के लिए तो है, लेकिन एडिटिंग भी इसमें हो जाएगी। लेकिन क्या है इसमें दिक्कत, उसमें जो है वाटरमार्क आता है, और जो फीचर्स हैं फुल्ली जो है ओपन नहीं होते हैं, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन मांगता है ना। तो मैंने भी जो है सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अराउंड कुछ 2400 रुपये साल का इसका सब्सक्रिप्शन है, तो वो मैंने ले रखा है। उससे उसको लेके क्या होता है कि काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं ओपन हो जाते हैं, और वाटरमार्क जो है ना वो काइन मास्टर का वीडियोज़ में वो नहीं आता। तो अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे जो उसके फीचर्स हैं ना वो आपको नॉर्मल डाउनलोड करके नहीं मिलते, तो इसीलिए मैंने ले रखा है। और काफ़ी अच्छा ये ऐप है एडिटिंग वगैरह के लिए, है ना। तो आप भी ले सकते हैं अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं। उसमें आपको ग्रीन स्क्रीन, क्रोम की होती है ग्रीन स्क्रीन की, वो भी मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा ऐप है मेरे हिसाब से। तो देखिए वीडियो बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए आपको भरमार मिल जाएगी प्ले स्टोर में, काफ़ी सारे ऐप हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो ये काइन मास्टर है सबसे बेस्ट है। बाकी ऐप भी मैंने यूज़ किए, एकदम मुझे इतने हैंडी लगे नहीं, का थोड़े टफ थे। ये काफ़ी इजी भी है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, है ना। बैकग्राउंड म्यूजिक इजीली, इसमें पहले से कुछ म्यूजिक रहते हैं, कॉपीराइट फ्री रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी तो सबसे बेस्ट ऐप तो काइन मास्टर ही है, बाकी आपके ऊपर है, आप जो से मर्जी भी यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया एडिटिंग वगैरह का ऐप के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे वीडियो मैंने बना ली, मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, ये सारी वीडियो एडिटिंग करके काइन मास्टर पे मैं इसको एक प्रॉपर एक वीडियो बना के जो है अपना यूट्यूब स्टूडियो होता है, स्टूडियो में जाके सब काम होता है अपलोडिंग वगैरह के। तो ये वीडियो मैंने बना ली, अब मैं क्या करूँगा इसको एडिट करके, एडिट करने के बाद यूट्यूब स्टूडियो में जाऊँगा, है ना। अकाउंट होता है हर किसी का वीडियो क्रिएटर का, तो स्टूडियो खोलने के बाद वीडियो को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद उसमें अगर आपको कोई एंड में वीडियो लगानी है वो भी लगा सकते हैं, अगर उसमें कोई कॉपीराइट आता है तो वो भी आपको बता देगा। कॉपीराइट देखिए आपको ओनली लैपटॉप में बताएगा, मेरे पास लैपटॉप है उसमें मैं अपलोड करता हूँ, अगर आप फ़ोन में करेंगे तो ये कॉपीराइट वगैरह बताता नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कॉपीराइट का डर है ना, अगर आप सीरियसली वीडियो बना रहे हैं तो इसको फ़ोन से अपलोड ना करें, ओनली लैपटॉप या डेस्कटॉप से करें, उसमें कॉपीराइट इजीली बता देता है। तो वीडियो एडिटिंग करने के बाद उसको अपलोडिंग पे लगाना है, अपलोडिंग पे लगाने के बाद उसमें कॉपीराइट बताएगा, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो फिर आपको दोबारा से उसमें थोड़ा रीवर्क करना पड़ता है, है ना। अपलोड करने के बाद अगर वीडियो अपलोड हो जाती है, नो कॉपीराइट आता है, तो आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी वीडियो अपलोड की 3 बजे, मैं उसको शेड्यूल कर सकता हूँ कभी के लिए भी, कल के लिए, परसों के लिए, आज शाम के लिए, शेड्यूलिंग पे भी वीडियो लग जाती है, तो वीडियो शेड्यूल हो जाती है। बस वो जब उसका टाइम आता है शेड्यूल का, वो उस टाइम रिलीज हो जाती है और सबके पास अवेलेबल हो जाती है देखने के लिए, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो कि मैं कौन कौन सा ऐप यूज़ क्या ऐप यूज़ करता हूँ, मेरे पे कौन से गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट है ना। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ी सी भी लगी तो लाइक कर दें यार, सब्सक्राइब ना करो हालांकि लाइक तो जरूर कर दो, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में या फिर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।